हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड। आज हम खट्टी मीठी चटनी बनाएंगे, वो भी हम बिना इमली के अमचूर पाउडर से ये खट्टी मीठी चटनी बनाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनेगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं खट्टी मीठी चटनी बनाना। चटनी बनाने के लिए मैंने यह लिया है 50 ग्राम अमचूर पाउडर, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 200 ग्राम गुड़, 4 चम्मच चीनी, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, सौंठ पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच काला नमक। सबसे पहले मैंने यहाँ एक बर्तन में 1.5 ग्लास पानी गर्म करने रख दिया है और इसमें डाला है मैंने अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर डालने के बाद इसे कंटिन्यू चलाएं, जिससे कि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। अब इसी तरह चलाते हुए इसे 2-2.5 मिनट तक हमें पकाना है। बस ध्यान रहे कि यहाँ कोई भी अमचूर की गांठ इसमें नहीं रहनी चाहिए। अब मैंने इसमें ऐड किया है गुड़, और गुड़ डालने के बाद इसमें डाली है मैंने चीनी। अब गुड़ और चीनी डालने के बाद इसको लगातार चलाते हुए पकाएं। इस समय मैंने गैस का फ्लेम थोड़ा हाई रखा हुआ है, जिससे कि इसमें एक उबाल आ जाए। अब हम जब तक इसमें उबाल आएगा तब तक इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे और चलाते रहेंगे, जिससे कि ये उफन के निकले नहीं। अब गैस का फ्लेम मीडियम कर दीजिए और इसमें ऐड कीजिए 1 चम्मच सौंठ पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काला नमक और सफ़ेद नमक। इसमें मैंने ऐड किया भुना हुआ जीरा पाउडर। अब इस सबको अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए, और मिक्स करने के बाद इसको अच्छी तरह आप पकने दीजिए। अगर आपके पास घर में सौंठ पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह पर इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल सकते हैं, या फिर आप अदरक को घिसकर भी इसमें डाल सकते हैं। अब इसको थोड़ा गाढ़ा होने तक हम इसी तरह मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे, जिससे कि ये तली में लगे नहीं। अब हम इसमें छौंक लगाएंगे। इसके लिए मैंने दूसरी तरफ गैस पर एक पैन रखा है और उसमें डाला है 1 चम्मच ऑयल, और उसमें ऐड किया 1 चम्मच जीरा, 1 पिंच हींग और 1/2 चम्मच कश्मीरी मिर्च। अब इसे हम जो हमने खट्टी मीठी चटनी तैयार की है उसमें ऐड कर देंगे। इससे जो चटनी है उसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी ये। आप छौंक ज़रूर लगाएं चटनी में, चटनी इससे बहुत ही टेस्टी लगती है। ये खट्टी मीठी चटनी बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाती है, और इसके लिए हमें पहले से इमली वगैरह भी भिगोने की ज़रूरत नहीं होती है। बस अब ये चटनी हमारी लगभग बनके तैयार हो गई है। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इसको बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। 8-10 मिनट के अंदर बस ये बनकर तैयार हो जाती है। अब ये गाढ़ी हो गई है, इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे, क्योंकि ये ठंडे होने के बाद भी गाढ़ी हो जाती है। आप इसे गैस ऑफ कर दीजिए और ठंडा होने के लिए रख दीजिए, और जब ये ठंडी हो जाए तो आप किसी भी कंटेनर में भरकर इसको फ्रिज में रख सकते हैं, और ये 5-6 महीने तक बिल्कुल ख़राब नहीं होती, आप स्टोर करके इसे रख सकते हैं। अगर आपको ये मेरी खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।